हाँ दोस्तों, आप ये देख रहे हैं निर्दोष मस्ताना स्टूडियो। इसमें आप देखेंगे इस भजन के बारे में, जब लक्ष्मण के शक्ति लग जाती है तो पवन सुत हनुमान बूटी लेने के लिए जब द्रोणागिर पर्वत पर पहुंचे हैं तो देख रहे हैं क्या कि जय जय बोली है श्री राम की, पहुंचे पर्वत पे हनुमान जी। जय जय बोली है श्री राम की, पहुंचे पर्वत पे हनुमान जी। देख अंजनी के लाल सारी बूटी लाल लाल, पहुंचे पर्वत पे हनुमान जी। जब हनुमान जी पहुंचे हैं द्रोणागिर पर्वत पर, खड़े खड़े अब देख रहे हैं पवन तने बलशाली, बूटी सभी लाल लाल हैं, लीला अजब निरा छाल। पर्वत उठा लिया तत्काल आता, मुख से बोले हैं श्री राम जी, पूछे पर्वत पे हनुमान। पहुंचे पर्वत पे हनुमान जी। जब बूटी को नहीं पहचान पाया तो हनुमान जी ने पर्वत ही उठा लिया, लेके चले। अरे लेके बूटी चले पवन सुत, रहे मार्ग में आई लेके, लेके बूटी चले पवन सुत, रहे मार्ग अनहोनी।
बिना बाण चलाई, हनुमान जी पर्वत को लेकर के जब अयोध्या से निकले हैं, इधर भरत ने देखा कि आज मेरी अयोध्या के ऊपर कोई राक्षस जा रहा है, तो भरत जी ने बाण छोड़ दिया। और जैसे ही बाण छोड़ा तो घायल हुए अंजनी लाल, उनके उड़ गए हो सवाल, घायल हुए अंजनी लाल, उनके उड़ गए हो सवाल, मुख से निकला है श्री राम जी, ऊंचे पर्वत पे हनुमान छोड़ा। हनुमान जी हाथ पे पर्वत को रखे हैं, नीचे गिरे हैं, तो मुख से हाय राम निकला। आहा, भरत समझ गए कि ये तो कोई मेरे प्रभु का भक्त है। देख भरत ने हनुमान को अश्वन नीर बहा, परिचय दिया। देख भरत ने हनुमान को अश्वन नीर बहाए, तुमसे धन की सुमेरे भाई जो काम राम के आए, बड़ी मुश्किल से सुनिए, और बड़ी मुश्किल से पहचान की पूछे पर्वत पे हनुमान, बड़ी मुश्किल से पहचान की पहुंचे पर्वत पे हनुमान जी। ये लक्ष्मण शक्ति में ये भजन आपने सुना निर्दोष मस्ताना स्टूडियो के माध्यम से, ढोलक बजा रहे सुनील, कढ़ा पर हमारा शिष्य विजय एटा से, और चिमटा विजय भी पास में, मंजेश राघव ये हमारा शिष्य बैठा है। जय जय बोली है, जय जय बोली है, ओ जय जय बोली है श्री राम की, ऊंचे पर्वत पे हनुमान,